हेलो गाइस, मैं हूं पंकज धाकड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पंकज धाकड़ में। तो गाइस सर, आज के स्टूडियो में हम क्या करने वाले हैं। नॉर्मली आपको पता है कि आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया कि आज के स्टूडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो गाइस सर, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी हमारे पास है 180 सेंटरफुट चिंगम। ये जो डिब्बा है ये पूरा का पूरा पैक्ड है और आपको पता है कि इसके अंदर पूरी की पूरी जो है 180 सेंटरफुट चिंगम निकलती है। तो गाइस सर, नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं, पूरी की पूरी 180 सेंटरफुट चिंगम को जो है हम जो है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के उसको जोर जोर से घुमाने वाले हैं। मतलब कि आपको पता है कि मिक्सर ग्राइंडर रहता है वो बहुत स्पीड से घूमता है, अगर उसके अंदर पूरी की पूरी 180 सेंटरफुट चिंगम जाएगी तो क्या कुछ इस चिंगम का जो बन जाएगा, मतलब पूरी की पूरी मिक्स हो जाएगी, क्या कुछ हमको देखने को मिलेगा। तो गाइस सर, आज के स्टूडियो में यही करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको जो यहां पर है हम डाल लेते हैं। तो गाइस सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो चिंगम चिंगम हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से इसको खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो चलिए फटाफट से इसको खोलते हैं और फिर आपको जो वीडियो में आगे दिखाते हैं। और आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, हम फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो ये बची हुई जो हमारी लास्ट चिंगम। तो गाइस सर, आप देख सकते हैं कि हमने पूरी की पूरी जो चिंगम से उनको खोल लिया है और इस थाली में जो इकट्ठा कर लिया है। और अब लाया जाए हमारा मिक्सर ग्राइंडर। तो गाइस सर, ये आ चुका है हमारा मिक्सर ग्राइंडर। तो चलिए फटाफट से इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो हम जो है हमारी पूरी चिंगम से को डाल देते हैं। तो इसका जार है उसको निकाल लेता हूँ मैं, ये मैंने निकाल लिया है। और फटाफट से जो पूरी चिंगम से इसके अंदर डाल देता हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को जो है हम जो है बहुत ही दिनों से शूट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम जो है इसको शूट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ क्योंकि जो हमारे घर पे है सभी लोग रहते हैं, मम्मी वगैरह सभी लोग हैं, और वो जो है हमको मिक्सर ग्राइंडर है यूज़ नहीं करने दे रहे थे। लेकिन आज जो घर पर कोई नहीं है, हम जो हमारा वीडियो है उसको बना रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर जो है हम पूरी चिंगम इसको जो डाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी चिंगम जो हम जार के अंदर डाल रहे हैं। तो गाइस फाइनली यार, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी चिंगम में हमने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो डाल दी है। वो गाइस अगर यार मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो गया तो सच में आ रहा है ना बहुत लगने वाली है मेरी। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा आपके लिए। तो चलिए फटाफट से इस जार को जो मैं इसमें फिक्स कर देता हूँ और मैं जो है इसको ऑन करता हूँ। ऑन नहीं हुआ, अरे अभी तो प्लग नहीं लगाया है। तो गाइस जो फाइनल सब कुछ सेट हो चुका है, तो चलिए फटाफट से यहाँ से इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है। गाइस सर, बहुत ही तेज धक धक हो रही है मेरे को। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। गाइस मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारी सेंटर पर चिंगम भरी हुई है, आप देखिए। तो चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ और देखते हैं कि क्या कुछ है जो आपको देखने को मिलता है। कर दूँ ऑन, 3 2 1। तो गाइस वहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो ही जल गया, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है थोड़ा हल्का वाला लगा हुआ था वहाँ पे, तो जल चुका है। तो गाइस सर, हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ और इसको करते हैं ऑन। तो चलिए इसको करते हैं ऑन। बहुत ही धक धक बढ़ती जा रही है यार मेरी। 3 2 1। तो यार आप देख सकते हैं पास से, अगर आपको इसके अंदर दिख रहा हो तो, या आप देखिए अंदर दिख रहा हो तो जो हमारी चिंगम है वो पिसना शुरू हो चुकी है। तो चलिए थोड़ी देर में इसको फुल स्पीड से घुमाता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। आप देखिए, तो ये आप देखिए जो हमारी चिंगम थी वो पूरी जिसको किनोर थी, किनोर पाकर चिपक चुकी है, आप देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा मैं ठोक देता हूँ, ठोक के इसको नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको खोल कर दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं। तो यार आप देखिए हमारे चिंगम्स का जो क्या कुछ है वो हाल होगा, ये आप देखिए। तो चलिए थोड़ा सा इसको जो मैं वापस से बीच में कर देता हूँ। तो चलिए मैंने इसको वापस से नीचे कर दिया है, ये आप देख सकते हैं मैंने नीचे कर दिया, अंदर डाल दिया इसको। और चलिए वापस से इसका ऊपर से ढक्कन लगा देता हूँ और फिर से इसको जो हम ऑन करते हैं। तो चलिए इसको ऑन करता हूँ मैं, 3 2 1।
और भाई मैं आपको क्या ही बताऊँ, जो हमारे चिंगम्स का हाल है पूरी तरीके से अलग हो चुका है। तो चलिए इसको निकालते हैं और हम चलते हैं हमारे स्टूडियो में और वहाँ पर चलकर देखते हैं कि जो हमारे चिंगम्स है उसका क्या हाल हुआ है। तो गाइस इसे फाइनली हम लेकर अंदर स्टूडियो में आ चुके हैं और चलिए इसको यहाँ से निकालता हूँ मैं और देखते हैं कि हमारे चिंगम्स का क्या हाल हुआ है। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है बाहर से तो गाइस आप देख सकते हैं, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं। तो चलिए मैं इसको अंदर से खोलता हूँ और देखते हैं कि जो हमारी चिंगम है उसका क्या हाल हुआ है। तो चलिए फाइनली, तो कहीं सर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो हमारी चिंगम है वो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं। जिस तरीके मिक्सर में पीसता है हमारा थोड़ा बहुत कोई सा सामान पीसते हैं हम, तो जिस टाइप से होता है उसी तरीके से जो हमारी चिंगम का हाल हो चुका है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं, तो चलिए इसको इस थाली में निकालते हैं और देखते हैं कि हमारी चिंगम है वो कैसी निकलती है। यार इसके अंदर बहुत ही तेज़ है, जम चुकी है बहुत ही अच्छी तरीके से, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए इसको निकालते हैं फटाफट से। तो भाई सर फाइनली आप देख सकते हो उसके अंदर जितनी भी चिंगम थी सारी हमने इसको बाहर निकाल दिया है और भाई आप देखिए चिंगम का क्या हाल होगा यार। हालांकि इसमें सर जो कुछ कुछ चिंगम है आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रखी हुई है, ये वाली चिंगम आप देखिए पूरी की पूरी रखी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये जो मिक्सर में नहीं पीसी है। अगर आपको इधर की साइड दिखाऊँ तो कैसे आप देख सकते हैं इधर की साइड भी जो है कुछ चिंगम से जिनका कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए कुछ चिंगम से मतलब कि जो है बच गई है और बाकी की पूरी चिंगम आप देखिए पूरी की पूरी जो पीस चुकी है। हालांकि कुछ चिंगम जो बची है लेकिन आप देखिए जो चिंगम पीसी हुई है उनका हाल देखिए आप किस तरीके से देखने में लग रहा है। देखने में यार सच में बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, मतलब मेरा मन तो ऐसा कर रहा है इसको फटाक से उठाऊँ और खा जाऊँ, लेकिन यार मैं खा नहीं सकता क्योंकि मेरे दांतों में जो ब्रेसेस लगे हुए तो डॉक्टर ने मेरे को मना कर रखा है चिंगम खाने के लिए, लेकिन कोई नहीं। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से जो हमारी चिंगम्स का जो हाल है ये हो चुका है। तो गाइस सर अगर आपको वीडियो मज़ा आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। और गाइस सर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और इस चिंगम को जो है हमारा कैमरामैन है पूरी की पूरी खाने वाला है, बहुत देर से वेट कर रखा हूँ वीडियो खत्म हो और कब मैं इसको जो खाऊँ। ले भाई खा ले।